स्टैक डेवलपमेंट आईटी का एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें ज्यादातर लोग आज अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इसमें करियर बनाने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर फुल स्टैक डेवलपमेंट है क्या और इसमें ज्यादातर लोग करियर क्यों बनाना चाहते हैं, इसका करियर स्कोप क्या है और आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, आपकी सैलरी पैकेज आगे जाके क्या होने वाली है। सो इसी पे बेस्ड है आज की हमारी ये वीडियो, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन MCA प्रोग्राम इन फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट है क्या, इसके लिए कौन कौन से स्किल्स या फिर कौन कौन से प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड है, और इसके बाद हम जानेंगे इसका करियर स्कोप, सैलरी पैकेज एंड द बेस्ट यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर यू कैन परस्यू ऑनलाइन MCA इन फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आज समझाऊंगी कि फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, इसके लिए क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसे ही बहुत से प्रोग्राम्स की वीडियोस मिलती रहेंगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब हम सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपमेंट में किसी पर्सन को अपने क्लाइंट के साथ ही साथ सर्वर सॉफ्टवेयर को भी हैंडल करना पड़ता है। इन शॉर्ट उसे फ्रंट एंड की भी नॉलेज होनी चाहिए और उसे बैक एंड की भी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि उसको फ्रंट एंड डेवलपर भी होना पड़ेगा और उसे बैक एंड डेवलपर भी होना पड़ेगा, और उसको उन दोनों की कोडिंग आनी चाहिए, उन दोनों से रिलेटेड प्रोग्राम्स की भी नॉलेज पूरी पूरी होनी चाहिए। इस प्रोग्राम की खास बात ये भी है कि आप क्लाइंट को भी हैंडल करते हैं, आप एक पूरा सर्वर सॉफ्टवेयर हैंडल करते हैं और आपको एक पूरी टीम भी लीड करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, बहुत सारे बैक एंड डेवलपर्स हैं, बट आप फुल स्टैक बन जाते हैं जिसमें आपके पास ज़्यादा नॉलेज होती है, ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो आप एक टीम लीड का भी काम करते हैं। अब हमें यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम आखिर है क्या। हम जानते हैं इसके बाद कि अब फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपको कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है, यानी कि कौन कौन से प्रोग्राम्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। सो इसके लिए आपको कुछ प्रोग्राम्स की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, आपको पाइथन आना चाहिए, HTML, CSS, और आपको एंगुलर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको ब्लेंडर की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए आपको डेटाबेस की भी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे प्रोग्राम्स का एक मिक्सचर बन के आपका बनता है फुल स्टैक डेवलपर। सो हमने जान लिया कि फुल स्टैक डेवलपमेंट आखिर कैसा प्रोग्राम है और इसके लिए आपको कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, एंड आई नो दैट कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, बट इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपका स्कोप भी काफ़ी अच्छा होगा। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑनलाइन MCA इन फुल स्टैक डेवलपमेंट। ऑनलाइन MCA करने का ये फ़ायदा है कि आप अगर आप जॉब कोई परस्यू कर रहे हैं तो आप उसके साथ ही साथ इस प्रोग्राम को परस्यू कर लेते हैं, और आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि ITs में बहुत सारे ना कोर्सेज आ गए जिन्हें ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही परस्यू करते हैं अपने जॉब के साथ ही साथ, एंड देन दे कैन चेंज और अच्छी जॉब उन्हें प्रोवाइड हो जाती है और अच्छी कंपनीज में। मैंने तो पैकेज भी देखा है कि पैकेज भी आपका डबल और ट्रिपल भी हो जाता है ऐसे प्रोग्राम्स करके। और तो और हम इसके फ्यूचर की बात करें तो अभी स्टडीज़ के हिसाब से देखा गया है कि 20% राइज हुआ है जॉब प्रोफाइल्स का इन द सेम प्रोग्राम, यानी कि फुल स्टैक डेवलपमेंट में अभी 20% जॉब्स का राइज हुआ है, यानी कि आपको और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि टाइम ऐसा आ गया है कि आगे जाके ये काफ़ी आगे बढ़ने वाला है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो इसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और आपको काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको 20% का राइज भी अभी भी देखने को मिल रहा है। और इसकी एक और ख़ास बात ये है, कंपनीज़ के लिए भी ये ज़्यादा अच्छी जॉब प्रोफाइल है, क्योंकि वो उनकी कट कॉस्ट भी होती है, क्योंकि एक जो पर्सन होता है ना वो बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर लेता है, उसके पास बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होती है, उसके पास फ्रंट एंड की, बैक एंड की और बहुत सारे प्रोग्राम्स की भी नॉलेज होती है, जैसे कि आपको अभी बताया मैंने जावास्क्रिप्ट, HTML, पाइथन, एंगुलर, ब्लेंडर,
रिएक्ट इन सब चीजों की भी नॉलेज होती है। यही हम इस प्रोग्राम से रिलेटेड आपका सैलरी पैकेज देखें तो सैलरी पैकेज भी इसका काफी अच्छा है। हम एवरेज सैलरी पैकेज की बात करें तो इसका एवरेज सैलरी पैकेज है 6 लाख पर एनम से लेकर 16 लाख पर एनम तक का ये एवरेज सैलरी पैकेज है और इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं और मैंने ये देखा भी है बहुत से लोगों को आजकल आईटीज में। तो हमने स्किल्स की तो बात कर ली बट अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए आपको ऑनलाइन MCA इन फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम करने के लिए और आप किस यूनिवर्सिटी से इस प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इन सारे कोर्सेज की नॉलेज हो, पाइथन, आपको एंगुलर, इन सब की नॉलेज हो। आप इसे अपने प्रोग्राम के साथ ही साथ परस्यू कर सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा होता है ताकि आप आगे आपका जो स्कोप है और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है वो और भी अच्छी मिले। बट अगर आपने BCA प्रोग्राम भी करा हुआ है एक अच्छी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो भी आप इस प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं। तो आप एक बार इसके सिलेबस पे भी नज़र डाल सकते हैं। आपको इसमें जावा प्रोग्रामिंग भी दिख रही होगी, वेब डेवलपमेंट, HTML, CSS, React, वेब टेक्नोलॉजीज, पाइथन, इन सभी चीज़ों की नॉलेज यहाँ पे आपको मिलती है। यानी कि ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स, सारी की सारी प्रोग्रामिंग्स आपको इस प्रोग्राम में सिखाई जाती हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो ये एक 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। और अब हम बात करते हैं कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से इस प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं। सो यू हैव अ फ्यू ऑप्शंस। आपके पास जैन यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको इस प्रोग्राम को करने का मौका मिलता है। जिसके हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका फी स्ट्रक्चर वेरी करता है 20,000 पर सेमेस्टर से लेके 50,000 पर सेमेस्टर तक का। ये यूनिवर्सिटी एकदम अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है और आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रोवाइड करती है और ये यूनिवर्सिटी 16,000 प्लस लिंक्डइन लर्निंग कोर्सेज भी देती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको फैकल्टी मेंबर्स भी काफी अच्छे प्रोवाइड होते हैं यहाँ पर। सो ये मैंने आपको बताया एक यूनिवर्सिटी ऑप्शन, बट अगर आप और देखना चाहते हैं तो आप और भी यूनिवर्सिटीज को देख सकते हैं और उन्हें कंपेयर कर सकते हैं कॉलेज विद्या के कंपेयर फीचर पे। वहाँ पे आप यूनिवर्सिटी को कंपेयर करेंगे कुछ सवालों के जवाब देके और आपको उनके सभी फैक्टर्स नज़र आ जाएंगे एक ही पेज पे केवल 2 मिनट में। तो आप एक ही पेज पे उनके सारे फैक्टर्स देख लेंगे और आप उसे कंपेयर करके अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी इस प्रोग्राम को करने के लिए। और ये तो चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इसका स्कोप काफ़ी अच्छा होगा। हम इससे रिलेटेड कुछ जॉब प्रोफाइल्स एंड कुछ टॉप कंपनीज भी देख सकते हैं और उसके साथ ही साथ आप उनका सैलरी पैकेज भी देख सकते हैं, उनका एवरेज सैलरी पैकेज। सो यू कैन बिकम फुल स्टैक डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, वेब डेवलपर, वेब डिजाइनर। सो ये थी एक कंप्लीट वीडियो ऑफ ऑनलाइन MCA इन फुल स्टैक डेवलपमेंट, जिसमें हमने ये अच्छे से सीख लिया कि आखिर फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम होता क्या है। सो आई थिंक आपने अभी तक डिसाइड कर लिया होगा कि आपको इस प्रोग्राम को करना है या नहीं करना है, या फिर इस प्रोग्राम का स्कोप काफी अच्छा है तो आप शायद करने की सोच भी चुके होंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसीलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि इसके बाद मैं आपके लिए लाने वाली हूँ गेम डेवलपमेंट और भी कई टेक्निकल प्रोग्राम्स की डिटेल्स एंड उसके अलावा मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटीज के रिव्यूज एंड अ लॉट मोर थिंग्स। सो चैनल के साथ जुड़े रहें।